दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको अपनी लाइफ की मुश्किलें बहुत छोटी लगने लगेंगी। और जो इंसान इस वीडियो को देखकर भी मोटिवेट नहीं हुआ, उसे शायद दुनिया का कोई भी वीडियो या स्टोरी मोटिवेट नहीं कर सकती। स्टोरी है 1938 की। हंगरी की आर्मी में एक फौजी जिसका नाम था कैरोली टैकस। कैरोली एक बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और डिटर्मिंड लड़का था। उसने कई सालों की कड़ी मेहनत से अपने आप को अपनी कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर बनाया हुआ था। पूरे देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो पिस्टल शूटिंग में उसे हरा सके। 19 ईयर्स की एज तक वो कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल पिस्टल शूटिंग कॉम्पिटिशन जीत चुका था, पर उसकी नज़र तो थी 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स पर। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, कि ज़रूरी नहीं कि हम जो प्लान कर रहे हैं भगवान भी हमारे लिए वही प्लान कर रहा हो। 1938 में एक आर्मी कैंप के दौरान कैरोली के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से वो अपना राइट हैंड, जो कि उनका मेन हैंड था, उसे पूरी तरह से गंवा गए। और यही वो हाथ था दोस्तों जिससे उन्होंने प्रैक्टिस कर करके उसे अपनी कंट्री का बेस्ट शूटिंग हैंड बना के रखा था। उनके सारे सपने, सारी प्रैक्टिस, सारा फोकस एक सेकेंड में जीरो हो गया दोस्तों। हम में से कोई भी होता तो जिंदगी भर के लिए इसे बहाना बनाकर बैठ जाता, रोता रहता, पर कैरोली हम जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने हार मानने की बजाय फोकस किया अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करने पर। वो हाथ जिससे वो ठीक से खाना तक नहीं खा सकता था, लिख तक नहीं सकता था, उस हैंड को उसने शूटिंग की प्रैक्टिस में झोंकना शुरू कर दिया। उसने दिन रात अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। लोग उसे सांत्वना देते थे कि बेचारा कितनी हिम्मत रख रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा, फिर भी बेचारा कोशिश कर रहा है। ठीक एक साल बाद शूटिंग का एक नेशनल लेवल का चैंपियनशिप इवेंट हुआ, जहां पर कैरोली भी पहुंचे। दूसरे शूटर्स ने उन्हें बहुत थैंक्स किया वहां आने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि कैरोली वहां उनका हौसला बढ़ाने आए हैं। पर कैरोली ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं, तुमसे कम्पीट करने आया हूं। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पर कैरोली को कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी शूटर्स कम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और कैरोली कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। लेकिन जीता कौन दोस्तों? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली ये चैंपियनशिप जीत गया दोस्तों। पर कैरोली का फोकस अभी भी अगले साल होने वाले, यानी 1940 में होने वाले ओलंपिक के गोल्ड मेडल पर था। पर एक बार फिर उसकी किस्मत उसके साथ खेल गई। वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए दोस्तों। उसे निराशा हुई, पर उसने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ी। वो प्रैक्टिस करता गया और अपना पूरा फोकस लगा दिया 1944 में होने वाले ओलंपिक्स पर। पर एक बार फिर किस्मत उनके साथ एक बार दोबारा से खेल खेल गई। वर्ल्ड वॉर 1944 तक भी खत्म नहीं हुआ और 1944 में होने वाले ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। फ्रस्ट्रेशन तो उसे बहुत ज़्यादा हुई दोस्तों, जो हम और आप शायद इमेजिन भी ना कर पाएं। पर वो फिर भी हार नहीं माना और अपना सारा फोकस लगा दिया 1948 में होने वाले लंदन ओलंपिक्स पे। 1938 में जब वो ओलंपिक जीतना चाहता था, तब उसकी उम्र थी 28 साल। यंग था, एनर्जेटिक था, पर 1948 तक वो हो चुका था 38 ईयर्स का। और जिस एज में वो अब पहुंच चुका था, उस एज में उसे कम्पीट करना था 20, 22, 24 और 25 साल के सुपर एनर्जेटिक एथलीट्स के साथ। और वो भी तब जब दुनिया के बाकी सारे शूटर्स अपने बेस्ट हैंड के साथ कम्पीट करने वाले थे, लेकिन ये आदमी अपने ओनली हैंड के साथ 38 ईयर्स की एज में कॉम्पिटिशन में उतरा था। और कॉम्पिटिशन भी कोई छोटा मोटा नहीं दोस्तों, बात थी ओलंपिक्स की। लेकिन मुश्किल या नामुमकिन नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में शायद था ही नहीं दोस्तों। 1948 आया, उसने लंदन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। पूरी दुनिया से बेस्ट ऑफ द बेस्ट शूटर्स ओलंपिक्स में आए थे, जो कि अपने बेस्ट हैंड के साथ कंपटीशन में उतरे थे, और ये अपने ओनली हैंड के साथ। पर जीता कौन? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली सबको हराकर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत गया दोस्तों। उस वक्त वर्ल्ड का बेस्ट शूटर था अर्जेंटीन कैरलोस एंड्रिक्स डियाज, और पूरी दुनिया की आंखें उसी पर थी। कैरोली की तरफ तो किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, लेकिन जीता कौन? द मैन विद द ओनली हैंड, इसे कहते हैं दोस्तों फोकस। लेकिन कैरोली यहां पर भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने एक बार फिर से फोकस किया 1952 में होने वाले ओलंपिक्स में, और दोबारा से एक बार वो मैदान में उतरा। जब उसकी उम्र हो चुकी थी 42 साल, 42 ईयर्स दोस्तों, वो कंपीट करने उतरा दुनिया के
यंगेस्ट शूटर से, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट शूटर से कम्पीट करने के लिए। लेकिन इस बार कौन जीता दोस्तों? इस बार भी वही जीता, द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली 1952 में भी गोल्ड अपने नाम कर गया। और दोस्तों इससे पहले वर्ल्ड की हिस्ट्री में कोई भी किसी भी कैटेगरी में ऐसा खिलाड़ी नहीं हुआ था जिसने लगातार दो ओलंपिक्स में लगातार गोल्ड मेडल अपने नाम किए हों। दोस्तों अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी और क्या हो सकती है। हर इंसान के पास सफल ना हो पाने के हजार बहाने हैं, पर हजार में से कोई एक ही हो पाता है जो बहाने नहीं रिजल्ट दिखा के बात करता है। दुनिया में एक एग्जाम्पल तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत कोई कोई कर पाता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।